और ये वो नैब का चेयरमैन है जो इमरान खान की हुकूमत की करप्शन पर खामोश रहा। एक इंक्वायरी, एक इन्वेस्टिगेशन, एक रेफरेंस फाइल नहीं हो सका, जबकि सैकड़ों अरब लूटने वाले काबीना के टेबल पर बैठे थे। तो आज एहतसाब जो है वो इंशाल्लाह नैब का होगा। मैं, हम किसी के खिलाफ कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते। जो कुछ इस नैब में हुआ है वो हकायक अवाम के सामने रखेंगे। मुल्क के अंदर एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। अगर आपने वाकई एहतसाब करना है कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आपने सियासत खेलनी है तो फिर नैब का इदारा है। जनाब भाई साहब क्या कहेंगे, इमरान खान साहब कह रहे हैं बुध के रोज फिर वो पब्लिक में जाएंगे, पेशावर का रुख करें, बताया जाए कितने दिनों की हुकूमत है, अपोजिशन कहती है चंद दिनों की, हफ्तों की, क्या है स्ट्रेटजी? हुकूमत जो अपनी मुद्दत पूरी करेगी, जी ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान साहब सड़कों में फिरते रहे, जो उन्होंने मुल्क के साथ किया है हमारी ये कोशिश होगी कि उन हालात को बेहतर किया जाए। और ये जो करप्शन इस मुल्क के अंदर हुई है हम इसकी हकायक अवाम के सामने रखेंगे। हमने किसी को गिरफ्तारियां नहीं कर ली, बड़ा आसान काम है। आज भी नायब मौजूद है, आज भी सारे वजीर कर उन्हीं हुकूमत खानों में होंगे जहां हमने वक्त गुजारा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो कमजोर आदमी होता है, जिस तरह ये चेयरमैन नायब है, ये सबसे पहले इमरान खान के लोगों को पकड़ेगा, लेकिन हम इस काम में नहीं पड़ना चाहते, ये हमारा तरीका नहीं है। हमने हमेशा वकार के साथ, दूसरों की इज्जत के साथ सियासत की है, शराफत के साथ सियासत की है। जो कुछ पिछले चार साल में हुआ वो हकायक इंशाअल्लाह आवाम के सामने रखेंगे। एक मिसाल मैं हमेशा देता हूँ, जिस वज़ीर-ए-आज़म की सोच ये हो, जिसकी काबीना की सोच ये हो कि राणा सनाउल्लाह पर 15 किलो हीरोइन डालें, इसके अलावा कोई सबूत पाकिस्तान के अवाम को चाहिए? जिसके वजीर, जिसके मुशीर लोगों के ऊपर हीरोइन डालें, असेंबली के मेम्बरान पर हीरोइन डालें, उस शख्स की, उस इंसान की, उस हुकूमत की सोच क्या थी? ये अल्लाह का करम है जिसने इस बदनीयती से, इस खराबी से, इस मुजरिम हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाई। भाई साहब ये बताएं, आप दावा करते रहे आपने जब अपोजिशन में थे कि नैब अदालतों में कैमरे लगाए, जी अब तो आपका दौरे इकतदार आ जी बिल्कुल, आप नैब को खत्म करेंगे लिए अदालतों में कैमरे क्यों? जी अगली अगली आवाम जान सके कि नैब किस तरह के केसेस बनाता जी है। मैंने कह दिया ना, हम दरख्वास्त डालेंगे जज साहिबान को के कैमरे लगाए, हमारी तरफ से इजाजत, हुकूमत इजाजत देगी कि कैमरे लगाए। गवर्नर इस्तीफे दें, आरिफ अलवी साहब के दांत में दर्द है, वो कल ओथ नहीं ले सके। वो अक्सर तलकीन करते रहते हैं कि टूथब्रश इस्तेमाल किया जाए, शायद खुद भी नहीं किया, कल दांतों में दर्द हो गया, आज ठीक हो जाएंगे। जो आरिफ अलवी साहब आइन के मुताबिक काम करें, उनके दांत में अगर दर्द ना हो तो जरूर सदर रहे। भाई साहब ये बताएं कि इस तरह इमरान खान का दौरे इकतदार था तो अपोजिशन का कोई भी जलसा होता था तब भी का बायकॉट किया जाता था, तो अब आपका दौरे इकतदार आ गया, सुने आपने भी तमाम चैनल्स को कह दिया कि अपोजिशन जो इमरान खान जो भी धरना दे आपने कवरेज नहीं करनी। आपने चैनल को अगर खबर आई है तो बता दें आवाम को, यार हमारी तरफ से कोई ऐसी खबर आपको हुक्म नहीं है। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कहना था कि मुल्क में एहतसाब का निज़ाम मौजूद है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नैब अदालतों में कैमरे लगाएं और आवाम को बताएं।